नीलोखेड़ी से भाजपा के उम्मीदवार भगवान दास कबीरपंथी ने आज एडीसी ऑफिस में पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने करनाल में पहुंचकर नॉमिनेशन भरा और मुख्यमंत्री और पार्टी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हलके में भाजपा सरकार में बहुत काम हुए हैं जो पिछले कई सालों में नहीं हुए थे। कई यूनिवर्सिटी कॉलेज खोले गए हैं। इसी के साथ आने वाले 5 सालों में जनता ने आशीर्वाद दिया तो बचे हुए कामों को भी पूरा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्हें प्रत्याशी बनाकर जनता के बीच में भेजा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री का, माननीय सांसद महोदय का, जिन्होंने मुझ पर आशीर्वाद दिया, उन्हें प्रत्याशी बनाया और आज अपना नामांकन आरम्भ कराया। और जनता का आशीर्वाद पिछले 5 साल से भरपूर मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जो जिम्मेदारी 2014 में जनता ने दी थी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से वो निभाई और जो जो डिमांड थी, जो जो वहाँ के क्षेत्र के जरूरतें थी, काम थे, वो पूरा कराने का काम किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि 1000 करोड़ से ऊपर भी हमने वहाँ काम कराए, विकास के काम कराए। कई बड़ी बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मिली, चाहे बागवानी विश्वविद्यालय हो, कन्या महाविद्यालय हो उत्तराबरी में, बस्तली में, और कई बड़े प्रोजेक्ट हमारे इस क्षेत्र में इन 5 सालों में आए। तो इस बार भी जो कुछ ऐसे काम है कुछ शेष रह गए, तो अगर जनता ने विश्वास जताया और आशीर्वाद दिया तो बचे हुए काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से लोकसभा में हमारे सांसद महोदय 63,000 से विनिंग होकर हमारी विधानसभा से संसद में पहुंचे थे, तो लगभग 75,000 से हमारे इस बार ये लीड रहेगी, क्योंकि भरपूर आशीर्वाद और भरपूर प्यार जनता का मिल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो व्यवस्था परिवर्तन किया, जो एक इस प्रदेश को बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारा है, जनता ने मन बनाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः इस क्षेत्र की, इस पूरे प्रदेश की बागडोर संभाले। जो बाकी समस्याएं हैं क्षेत्र की, क्योंकि मैंने 5 साल गांव-गांव जाकर हर शहर में नजदीक से देखे हैं कुछ, क्योंकि समय 5 साल इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि बिगड़ी हुई काफी व्यवस्था थी, सभी काम एक साथ नहीं हो सकते थे, लेकिन वो मैंने पता है कि क्या क्या काम है। तो आने वाले इन 5 सालों में मैं उन कामों को प्राथमिकता पर लेकर उन्हें पूरा कराऊंगा, ताकि किसी तरह की कोई हमारे क्षेत्र में समस्या ना रहे। भरपूर आशीर्वाद मिला। आज भी जब नामांकन भरने के लिए नीलोखेड़ी से चला था तो हजारों की संख्या में सभी साथी मेरे साथ आए, इससे लगता है कि पूरा क्षेत्र और वहाँ की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिले। आज न्यूज के लिए करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।